सीहोर जिले की इछावर विधानसभा क्षेत्र से अब तक कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम की घोषणा में अटकलों का दौर जारी है। इधर इछावर विधानसभा सीट से भाजपा ने एक बार फिर अपने सादवार के मौजूदा विधायक पूर्व राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा पर फिर से भरोसा जता दिया है। भाजपा ने नवी बार भाजपा से ही टिकट का पुरस्कार करण सिंह वर्मा को मिल गया है। इधर इछावर विधानसभा सीट पर कांग्रेसियों में गुटबाजी के चलते कांग्रेस हाईकमान इस मामले में अब मंथन कर रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि कांग्रेस आलाकमान दूसरी बैठक में भी इछावर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के नाम को लेकर कोई फैसला नहीं कर पाया है, जिसको लेकर इछावर विधानसभा क्षेत्र में गुटबाजी और तेजी बढ़ती जा रही है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। भरोसेमंद सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस आलाकमान कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेन पटेल और कांग्रेस नेत्री मेघा परमार को लेकर असमंजस की स्थिति में बना हुआ है। शैलेंद्र पटेल इछावर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और उन्होंने विदिशा लोकसभा सीट से संसदीय चुनाव भी लड़ा है। इधर पर्वतों पर चढ़ने वाली और समुन्दर में तिरंगे को ले जाने वाली मेघा परमार हाल ही में कांग्रेस में आई है। इछावर विधानसभा क्षेत्र में लगातार विभिन्न प्रकार की अफवाहें उड़ रही है। पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल और मेघा परमार के समर्थक बेबुनियाद खबरें मिलते ही पटाखे फोड़ने लगते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि खबर झूठी है तब मायूस होकर बैठ जाते हैं। इस प्रकार के हालात इछावर विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने में देखे जा रहे हैं। आदर्श न्यूज के लिए इछावर से पत्रकार जलील खान की खास रिपोर्ट।